तो हे गाइज़ वेलकम बैक टू अनदर इम्पोर्टेंट वीडियो हमेशा की तरह इस बार भी मैं आपके लिए एक बहुत बढ़िया स्कॉलरशिप स्कीम लेके आया हूँ जिसके लिए चाहे आप एक कॉलेज के स्टूडेंट हो चाहे आप ग्रेजुएशन कर रहे हो चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो चाहे किसी भी ईयर में हो चाहे आप स्कूल के स्टूडेंट हो किसी भी क्लास में हो अप्लाई कर सकते हो तो अगर आप एक पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों के लिए भी इस फॉर्म को भर सकते हो और अगर आप खुद एक स्टूडेंट हैं तो आप फॉर्म को भर सकते हो ठीक है बहुत बढ़िया स्कॉलरशिप स्कीम है और कोई कोई स्कॉलरशिप स्कीम ऐसी होती है जिसमें सभी को कवर लिया जाता है यहाँ पर सभी को कवर अप किया गया है तो आई थिंक बहुत बढ़िया स्कॉलरशिप स्कीम है कंप्लीट डिटेल्स देखिए अगर आप एलिजिबल बनते हो तो प्लीज़ अप्लाई जरूर करना क्योंकि बहुत कम स्कॉलरशिप ऐसी आती हैं ठीक है चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट तो ये स्कॉलरशिप सबसे पहले बता देता तो हूँ मैं आपको महिंद्रा फाइनेंस कंपनी की तरफ से प्रोवाइड की जा रही है काफ़ी बड़ी कंपनी है और प्राइवेट स्कॉलरशिप है बट uh, क्योंकि प्राइवेट स्कॉलरशिप है कंपनी बड़ी है तो इनको स्कॉलरशिप देनी ही देनी होती है तो बिल्कुल भी आप ये सोच के ना चलें कि भाई ये स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी काफ़ी स्टूडेंट मुझे कमेंट करते हैं कि भैया इस्कॉलरशिप नहीं मिलती तो ऐसा कुछ भी नहीं है इनको इस्कॉलरशिप देनी होती है बस आपको अप्लाई करना है फ्री में अप्लाई हो जाता है अप्लाई करके छोड़ दीजिए जो होगा देखी जाएगी ठीक है स्कॉलरशिप का जो नाम है वो है uh, सक्षम स्कॉलरशिप प्रोग्राम फॉर ड्राइवर्स चिल्ड्रन यानी कि अगर आपके पिताजी या आपके माता जी ड्राइवर हैं और आप उनके बच्चे हो तो आप अप्लाई कर सकते हो ठीक है अगर आप कॉलेज के स्टूडेंट हो आपके पिताजी ड्राइवरी करते हैं चाहे कॉमर्शियल चाहे नॉर्मली कैब वगैरह में भी या ट्रक वगैरह में भी जो भी uh, करते हैं अप्लाई कर सकते हो कोई दिक्कत की बात नहीं है ठीक है यहाँ पर अमाउंट की बात करें तो यहाँ पर आपको बीस हज़ार रुपये तक का जो अमाउंट है वो मिल सकता है एक साल के हिसाब से और लड़के और लड़कियाँ दोनों अप्लाई कर सकते हैं कई स्टूडेंट्स ये बोलते हैं भाई फोटो यहाँ पर लड़की लगाई गई है तो क्या लड़के अप्लाई नहीं कर सकते तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है लड़के भी अप्लाई कर सकते हैं और लड़कियाँ भी अप्लाई कर सकती हैं ठीक है यहाँ पर नीचे आते हैं इस स्कॉलरशिप की जो लास्ट डेट आ, क्या है बता देता हूँ पहले आ, क्योंकि यही चीज़ इम्पोर्टेंट होती है तो तीस सेप्टेम्बर दो आज है हमारे चौबीस जुलाई तो मोटा मोटा अभी आपके पास दो महीने का टाइम है पूरा तो आई थिंक बिल्कुल भी आप डिले ना करें तुरंत देखिए वीडियो को पूरा और अगर आप एलिजिबल हो तो अप्लाई ज़रूर करें अप्लाई करके छोड़ दो कोई दिक्कत की बात नहीं है अगर आप ये सोचो कि भाई दो महीने हैं बाद में अप्लाई करूँगा तो भूल जाते हैं फिर दिक्कत आती है ठीक है देख लीजिए पहले कम्प्लीट कि एलिजिबल हो कि नहीं हो यहाँ पर बेसिकली चार टाइप की कैटेगरी हैं फर्स्ट कैटेगरी है उन स्टूडेंट्स के लिए जो क्लास वन से लेके क्लास एट के बीच में पढ़ते हैं तो अगर आपके बच्चे क्लास एक से लेके क्लास आठवीं के बीच में पढ़ते हैं या आठवीं तक पढ़ते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो अगर आपके बच्चे क्लास नौ से लेके क्लास बारह के बीच तक पढ़ते हैं बीच में पढ़ते हैं तो अप्लाई कर सकते हो अगर आपके बच्चे या फिर आप खुद ग्रेजुएशन कर रहे हो चाहे किसी भी ईयर में हो चाहे आपने इस साल एडमिशन लिया हो चाहे इस साल सेकेंड ईयर में आए हों या आपका फाइनल ईयर हो तो भी अप्लाई कर सकते हो और अगर आप एक पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हो तो भी अप्लाई कर सकते हो तो सभी को यहाँ पर लिया गया एक तरह से ठीक है अब मान लीजिए आप एक क्लास मान लीजिए क्लास ट्वेल्थ में पढ़ते हो आप तो इसकी जो एलिजिबिलिटी है डॉक्यूमेंट्स हैं उसको चेक करने के लिए सिंपली आप व्यू डिटेल्स पे क्लिक करोगे यहाँ पर ठीक है यहाँ पर देखिए डॉक्यू सॉरी एक सेकेंड एक सेकंड, एक सेकंड इसको ऊपर कर लेता हूँ फेज को मैं देखिए एलिजिबिलिटी की बात करें तो आंध्र प्रदेश तमिलनाडु और तेलंगाना और कर्नाटका के स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं क्लास नौ से लेकर क्लास बारह के बीच में पढ़ने चाहिए लास्ट ईयर में या प्रीवियस क्लास में आपके मार्क्स सिक्सटी परसेंट होने चाहिए कम से कम ठीक है उससे ऊपर हो चलेगा कोई दिक्कत नहीं है पर उससे कम नहीं होने चाहिए बिल्कुल भी ठीक है नेक्स्ट है कि आपके पिताजी या फिर माता कोई भी ड्राइवर होना चाहिए आपके परिवार की वार्षिक आय तीन लाख रुपये से कम होनी चाहिए ठीक है और यहाँ पर बेनिफिट की बात करें तो दस हज़ार रुपये एक साल के हिसाब से आपको पैसा मिलेगा डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो बहुत से बेसिक से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आई थिंक सभी के पास पहले से ही मौजूद होते हैं मार्कशीट वगैरह फोटो आईडी कार्ड वगैरह इनकम प्रूफ हो गया एडमिशन प्रूफ हो गया बैंक अकाउंट कॉमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस एड्रेस प्रूफ हो गया फ़ोटोग्राफ हो गया तो बेसिकली डॉक्यूमेंट है और आई थिंक सभी के पास ही और मौजूद रहते हैं ठीक है इसके अलावा मान लीजिए आप एक ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं यहाँ पर चेक करने के लिए तो जो डॉक्यूमेंट्स हैं एलिजिबिलिटी है वो तो लगभग सेम ही है यहाँ पर बाकी अमाउंट की बात करें तो यहाँ पर पंद्रह हज़ार रुपये यहाँ पर एक साल के हिसाब से मिलेगा बाकी सारे चीज़ें सेम है ठीक है तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो वेबसाइट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा नहीं तो आप डायरेक्ट गूगल पर आ चेक करोगे तो वो भी आपको मिल जाएगा ठीक है दोस्तों अप्लाई करने का मैं वीडियो अलग से बनाऊँगा अगर आप चाहते हो तो कमेंट कर देना ताकि मैं जल्दी से वीडियो बना सकूँ ठीक है तो फिलहाल इस वीडियो के अंदर इतना ही एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो बता देता हूँ कि पैसे किस तरीके से यहाँ पर मिलेंगे आपको तो पैसे मिलने के लिए सिंपली इनका जो प्रोसेस है वो बता देता हूँ क्या प्रोसेस है पहले आप फॉर्म भरोगे फॉर्म भरने के बाद यहाँ पर शॉर्ट टिस्ट किया जाएगा आपके मार्क्स के बेस पे उसके बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के वेरीफाई वेरीफिकेशन किया जाएगा और उसके बाद एक टेलीफोनिक इंटरव्यू होगा यानी कि फ़ोन पर इंटरव्यू होगा और उसके बाद एक फाइनल इंटरव्यू होगा जिसके बाद जो भी स्टूडेंट पास होंगे उनको यहाँ पर उनके बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा ठीक है दोस्तों ये इस तरीके से पूरा प्रोसेस है इस वीडियो को यहाँ ख़त्म करता हूँ और कुछ भी डाउट रह गया है तो प्लीज़ कमेंट कर देना वीडियो पसंद आए लाइक कर देना थैंक यू वेरी मच